इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। हाईवे थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे किनारे स्थित श्रीनाथ अपार्टमेंट में प्लास्टिक कारोबारी की पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद लाखों के आभूषण व नकदी लूटकर फरार हो गए। देर शाम हुई वारदात से पुलिस विभाग हरकत में आ गया। पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ अपार्टमेंट के चौकीदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हाईवे किनारे स्थित श्रीनाथ अपार्टमेंट में पंकज जैन परिवार के साथ रहते हैं। शहर के मोहल्ला चौक बाजार में उनका प्लास्टिक का कारोबार है। रोजाना की भांति रविवार की सुबह वो अपनी दुकान पर चले गए। घर पर उनकी पत्नी मणि जैन, उनके पिता एवं बच्चे थे। पत्नी मणि दूसरे कमरे में जबकि ससुर दूसरे कमरे में थे। ससुर की तबीयत खराब रहती है, वो बोल नहीं पाते हैं। बताते हैं कि शाम 5 बजे करीब कुछ युवक उनके आवास में प्रवेश कर गए। हमलावरों ने मणि जैन की धारदार हथियार से हत्या की और फिर लाखों के आभूषण व नकदी समेट कर भाग गए। कुछ देर बाद घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। अपार्टमेंट के गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के राजफाश में पुलिस की कई टीमें लगा दी गई है। एसपी सिटी एमपी सिंह का कहना है कि कारोबारी की पत्नी की हत्या की गई है। लूट कितनी हुई है इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी है। घटना के राजफाश में टीमें लगा दी गई हैं। आपका? मेरा नाम निर्वय कुमार जैन है। ये कौन सी जगह है? ये श्रीनाथ अपार्टमेंट है। क्या कुछ घटना घटित हुई है यहाँ? ऐसा हुआ था कि आज 3 जगह के रिजल्ट निकली थे आज असेंबली के, तो हम देख रहे थे तो उनकी भतीजी जो है 5:30 बजे करीब आई, वो गई ऊपर। तो मेरी मिसेज ने कहा था कि कौन गया ऊपर, मैंने सीता गई है। तो उसने ऊपर पहुंच गया, एकदम चीखी है वो, अंकल जी ऊपर आओ, अंकल जी ऊपर आओ। तो इतनी जोर की चीखी थी कि मेरी नीचे वाली है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर वो लड़की और मैं और मेरी मिसेज तीनों भागे भागे ऊपर गई। ऊपर गई तो लॉबी में पानी भरा हुआ था, नल चल रहे थे और ये पलंग के नीचे लेटी हुई थी। क्योंकि हमने समझा कि इनको भारी शरीर था तो मैं नीचे भागा भागा आया बुलाने के लिए लोगों को, लेके फटाफट हम इनको हॉस्पिटल लेके चले। तो इतने में लोग आ गए तो गर्दन देखा तो यहाँ गर्दन से कट के निशान थे। तो फिर हमने सब लोग आ गए तो फिर आ गए कि पुलिस 112 नंबर पर फ़ोन किया और तब ये घटना। इससे पहले कोई जानकारी थी नहीं। यदि श्वेता इनकी भतीजी नहीं आती तो मालूम भी नहीं पड़ता। तो घर पे उस समय घटना वक्त कोई मौजूद नहीं था? उनके पिताजी ससुर रहते थे, वो पैरालाइज है, वो कमरे में पड़े रहते बेचारे। वो तो कोई बच्चे वगैरह नहीं है? बच्चे नहीं है, अकेली रहती थी वो। उनके हस्बैंड जो है दुकान पे रहते थे, बेटा और हस्बैंड। तब कितने साल से इस कॉलोनी में रह रही थी मैं? वो कितने साल? वो 4 साल हो गए कोरोना के बाद से ही आए। कोरोना के बाद 3 साल हो गए। ठीक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राजीव जैन है जी। क्या घटना घटित हुई है? घटना घटित हुई है कि मतलब गला रेता है, हाथ काटे है और सारा अलमारी टूटी है, सारा सामान ले गए हैं, जितना भी गोल्ड है जितना भी कैश है सब ले गए हैं। लगभग कितने बजे की घटना है ये? पूरी जानकारी नहीं है। 5-4 बजे फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठाया उसने। तो बगल में छोटा भाई रहता है, उसकी बेटी भेजी है, उसने दिमाग खोले दिमाग खोल के देखे तो वो मरी पड़ी है। मृतका का नाम क्या है? मणि जैन। और भी कोई घायल हुआ है? नहीं, और कोई नहीं घायल हुआ, मणि जैन। सामान वगैरह सब ले गए? फोन कर दे। शहर से बार बार फोन नाम दिया गया है, आपने उनका मारना किया है, सब भ्रष्टाचार का कुछ नहीं। देखिए, ये श्रीनाथ अपार्टमेंट है जो थाना हाईवे क्षेत्र में लगता है, एक गेट बंद कॉलोनी है जहाँ अपार्टमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे फ्लैट में एक लेडी थी, उनके बीमार फादर इन लॉ थे, दो ही लोग घर में थे और किसी ने घर में प्रवेश किया कि दरवाज़ा अंदर से खोला गया था। तो इसके चांसेस हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति गया जो किसी ना किसी तरह से जानता हो या जिनको पहचानता हो। घर वालों का कहना है कि वो दरवाज़ा तभी खोलती थी जब श्योर हो जाती थी कि ये पहुँचे। उनकी हत्या हुई है, किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या हुई है, साथ ही साथ सामान बिखरे पड़े हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि घर में लूटपाट की भी घटना को अंजाम दिया गया। प्राप्त जानकारी के सभी हमारे ऑफिसर्स यहाँ हैं, फील्ड यूनिट भी आई है, डॉग स्क्वाड भी आया है,
चूँकि गेट बंद कॉलोनी है, इसका लिमिटेड एक्सेस है, इन सारी चीज़ों को हम लोग दिखवा रहे हैं और पूरा विश्वास है कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। ठीक, इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।